जग दे। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। फाइनली जियो एयर फाइबर आ चुका है, साथ में इंस्टॉलेशन और बहुत कुछ है आने वाली वीडियो में। रियली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं अनबॉक्सिंग पे, फिर मैं आपको बीच में मिलता रहूंगा। फाइनली आ चुका है हमारे पास एयर फाइबर जो कि जियो की तरफ से आता है। सबसे अच्छी बात यह है इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली है और पूरे रामपुर में फर्स्ट कनेक्शन मेरा था, तो यहाँ पे लाइक एक गिफ्ट में मिला है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। बट सबसे पहले एसटीवी में कुछ खास नया तो नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर सील पैक है, तो मैं आपको खोल के दिखाऊँ। तो ये मतलब एसटीवी का साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया शायद, हाँ बहुत छोटा कर दिया, पहले बड़ा था अब ये छोटा सा स्मॉल एसटीवी यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। ये देखेंगे एंड लाइक दिस, पीछे HDMI और RJ45 मिल जाती है, दो USB पोर्ट मिल जाती है और एक पावर पोर्ट मिल जाती है। पीछे इसमें इसका बार कोड जो भी है वो मतलब साइज छोटा कर दिया पहले के मुकाबले। और डिब्बे में क्या क्या मिल जाता है, एक HDMI केबल मिल जाती है और एक ईथरनेट केबल मिल जाती है, एक एडेप्टर मिल जाता है और एक आपको रिमोट मिल जाता है जो कि पूरी फुल फंक्शनैलिटी के साथ आता है, नंबरें उंगरी सब दे रखी है। तो ये है, तो थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ एक्चुअली क्योंकि पहला पूरे रामपुर में कनेक्शन ही मेरा लगा है। तो यहाँ पे तो इसे पैक कर लेते हैं और इसे रख देते हैं, पन्नी वन्नी डाल देते हैं क्योंकि अनबॉक्स हमने कर लिया है, तो इसे नीचे रख लेते हैं। फिर दूसरा है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे ये आउटडोर यूनिट है और ये हमारा राउटर लगेगा क्योंकि ये आपको इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा एक्चुअली, और ये इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ये भी हमें अनबॉक्स, हाँ सील है, सील पैक की है, तो सील ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये एंड लाइक दिस, लेकिन हमारे यहाँ अभी एक्चुअली मैं बात करूँ क्योंकि ये आउटडोर यूनिट है, तो हाँ तो ये इसकी पूरी मतलब मैनुअल दे रखा है एक्चुअली कि इसे किस तरीके से लगाना है लाइक दिस। अब आपको दिख रहा होगा ये पूरा मैनुअल है इसका। और सबसे अच्छा इस हैवी ड्यूटी, मतलब अच्छा खासा भारी है दोस्तों, अच्छा खासा मतलब हैवी है। तो ये यूनिट देखने के लिए मिलेगी क्योंकि इसमें अभी मल्टी यूनिट नहीं दी गई है जो मतलब डायरेक्टली एक सिंगल कनेक्शन आएगा, लेकिन तब मेरे घर लोग आसपास लगवाते हैं तो एक मल्टी यूनिट डिवाइस लग जाएगा जिससे कि आपने देखी होंगी मेरी प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने दिखाया भी है, जिससे कि मल्टीपल लोगों को कनेक्शन दिया जा सके। तो यहाँ पर ये मतलब आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से RJ45 का एक जैक दे रखा है जिससे कि मेन ईथरनेट निकल के आएगी, इसमें सिम कार्ड डलेगा। तो ये कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, इस रियली अमेजिंग तो वाली फीलिंग है। और मैं बात करूं इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें स्टैंड दिया गया है, कुछ मतलब वायर क्लिप दिए गए हैं और कुछ नहीं दिया गया है। तो यही है इसके अंदर, आउटडोर यूनिट के अंदर आपको कुछ यही देखने के लिए मिलता है। और ऐसे था आई थिंक, और इसे हम यू कर लेंगे तो ये इस तरीके से था लगा हुआ एंड इसे हमने खोल लिया है। तो ये हो गया, दो प्रोडक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अब इसका कोई काम नहीं है, मतलब लगवा रहा हूँ तो मैं अब क्या इसके ही काम होगा। और ये हमें मेन राउटर देखने के लिए मिल जाता है जो कि जियो ने एक्चुअल रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे इसकी भी प्रॉपर तरीके से सील देखने के लिए मिलती है। और अभी बहुत डिटेल मिलने वाली है, तब तक आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हुई है, इस पर हमें बहुत एक्सपेरिमेंट भी करने हैं एक्चुअली। तो ये निकलेगा यहाँ से, ये तो मैं थोड़ा बीच में आ जाऊं जियो ब्रांडिंग, बट ये हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, अभी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि एक्चुअल वो सिर पे बैठा हुआ है मेरे, वो कह रहा है सर जल्दी डिवाइस दे दो हमें वीडियो मतलब इंस्टॉल करना है। लेकिन मैं सबसे पहले गिफ्ट खोल के दिखाऊं, तो यहाँ से यहाँ पे एंड
मतलब 150 रुपये तो रिटर्न आएगा दोस्तों। मैंने अभी जो पेमेंट करी है वो आपको मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। ये मैंने कल ही ख़रीदा था गिफ्ट में देने के लिए, तो 150 रुपये का था, तो मुझे मालूम है प्राइस, तो 150 रुपये मेरे रिटर्न आ गए। वाओ तो ये वाओ वाली फीलिंग है। इसे भी नीचे रख देते हैं। एंड एक्चुअली ये आपको फर्स्ट लुक एंड डिवाइस ये देखने के लिए मिलता है, और अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें अलग होने वाली हैं। ये आपको प्रॉपर एक गाइड मिल जाती है इसे किस तरीके से इंस्टॉल करना है, ये आपको जियो के तरफ से एक प्रॉपर डिटेल देखने के लिए मिल जाती है, और एक ईथरनेट केबल इसमें भी दी गई है। मेरे पास बहुत सारी ईथरनेट केबल हो गई क्योंकि मैं बहुत राउटर हूँ था तो ये डिवाइस है जो कि फाइनली लुक, मतलब मैंने ही फर्स्ट टाइम खोला है इसे, और पूरे रामपुर में मैं ही फर्स्ट अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है इसमें भी USB पोर्ट दी गई है। अब एक्चुअली क्योंकि ये अलग राउटर है, पहले जियो के जो फाइबर राउटर आते थे उसमें सपोर्टेड नहीं थी, क्योंकि ये कह सकते हैं ये ईथरनेट बेस एक ऐसा एक्सटेंडर के तौर पर वर्क करने वाला राउटर है, तो वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। 4 इसमें आपको नॉर्मल पोर्ट मिल जाती है जिससे कि आप डेस्कटॉप, लैपटॉप या कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक ब्लू वाली जो है मतलब WAN की पोर्ट है, जिससे कि डायरेक्टली आउटडोर यूनिट से निकल के इंडोर यूनिट में जाएगी, और पावर कोर्ट मिल जाती है इसमें। ये थोड़ा हैवी है, 12 वोल्ट 3 एम्पीयर की सप्लाई, और यही तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यस तो ये हो गया, और अब थोड़ा सजाने का टाइम आ चुका है एक्चुअली। तो ये इसका कवर है, और इसमें एक हैवी ड्यूटी एडेप्टर मिल जाता है, लाइक दिस वाओ, इस लाइक जस्ट अ वाओ वाली फीलिंग है। तो ये आपको 12 वोल्ट 3.5 एम्पियर में मिल जाता है। इसमें POE स्विच है जो कि आउटडोर यूनिट में चला जाएगा, और ये ईथरनेट केबल जो है वो डायरेक्टली इसमें लग जाएगी। इस रियली सो हैवी ड्यूटी विथ पावर भी दी गई है, सबसे अच्छी बात ये है। और ये कुछ आपको यहाँ पे मतलब पावर कोड मिल जाती है लैपटॉप वाली, मतलब लमसम सेम ही, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और ये हो गई यहाँ पे, और इसे ऐसे रख दो, इसे ऐसे रख दो, इसे ऐसे रख दो, जो ऐसे भी था कैसे भी रख दो। और फाइनली ये हो चुका है ये। अब मैं जल्दी से ना एक पूरा सेटअप लगा लेता हूँ। तो फाइनली ये आपको पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, और साथ में हमें गिफ्ट भी मिल जाता है। तो मैं इसे ज़रूर कहूँगा 150 रुपये का फर्स्ट था इसलिए, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड को ही दिया जाएगा, फिर सिर्फ नॉर्मल कनेक्शन रह जाएंगे। बहुत कुछ आने वाली वीडियो में, क्योंकि जो मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ लोग सोच भी नहीं सकते। तो मैं पूरे द्वार से कनेक्शन सुना दूँ, तो यहाँ पे ये सबसे फ्रंट में, और आउटडोर यूनिट आपके घर के बाहर की तरफ मतलब ऊपर छत पे या ऐसे इलाके में लग जाएगी जहाँ पे स्टेबल कनेक्टिविटी मिल सके। फिर यहाँ से वायर जाके इस वाले राउटर में जुड़ेगी, जिससे कि आपको एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी दी जा सके, क्योंकि ये 2.4 GHz से 5 GHz में, और ये म्यू राउटर है। डेट मीन्स ये है कि आप इसे MyJio एप्लीकेशन के द्वारा एक्सेस भी कर सकते हैं। किसी का एक्सेस इंटरनेट बंद करना हो, ओपन करना हो, रिस्ट्रिक्शन लगानी हो, वो सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। एंटरटेनमेंट का खजाना ये है, थोड़ा सा छोटा कर दिया है प्रीवियस से, लेकिन इसमें आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, जिसमें कि आपको 14 OTT ऐप, मतलब मैंने 14 वाला नहीं लिया, शायद 12, अभी मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मैं पूरा डिटेल आपको बताऊँगा दिखाऊँगा, तो वहाँ पे ये देखने के लिए मिल जाती है। और ये मतलब ऐसे अनबॉक्सिंग बहुत कम लोग लेके आएंगे एक्चुअली, क्योंकि डिवाइस की जिसके घर लग रहा हो, तो वहाँ पे ये पूरा एंटरटेनमेंट मिल जाता है आपको देखने के लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस, फिर और डिटेल आपको रेगुलर मिलती रहेगी। बट दोबारा से एक बार जरूर कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। तो सबसे पहले रामपुर में लगा था, तो फर्स्ट कस्टमर रामपुर में मैं था, नीचे नंबर भी है, तो आप कॉल करके रामपुर में रहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो गिफ्ट, तो फाइनली इंस्टॉलेशन चालू होता है। ईथरनेट केबल को बिछाने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इस बार फाइबर नहीं है, ईथरनेट पे ही मेन वर्क होना है, और पूरी प्रॉपर तरीके से मतलब केबल का कवर लगाया जाता है, और जो भी ड्रिलिंग प्रोसेस है वो जियो की टीम को डन करती है, लाइक दिस आप देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से कि ईथरनेट केबल कम से कम दिखे, और ऊपर के साइड भी कि ओपनली नहीं छोड़ी जाती है, क्योंकि धूप में इफेक्ट पहुँचता है, तो उसमें भी प्रॉपर तरीके से ब्लैक वाले अच्छे खासे हार्ड है। अभी आगे भी दिखाएंगे किस तरीके से कम्प्लीट किया है, और ये आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलता है। एक आप चीज़ और देखेंगे, जैसे कि क्योंकि फर्स्ट कनेक्शन था तो बहुत ज़्यादा लोग, कम से कम 12 लोग घर में आए थे एक जियो एयर फाइबर कनेक्शन लगवाने के लिए,
तो यहाँ पे पूरी टीम आई थी, कुछ देखने भी रहे थे और कुछ समझ भी रहे थे। तो ये आपको जियो एयर फाइबर डिवाइस देखने के लिए मिल जाता है आउटडोर यूनिट, और मेरे घर से मतलब 70-80 मीटर का ही डिस्टेंस है टावर से, तो एक स्टेबल हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिल जाती है। ईथरनेट केबल कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है कि जो 8 के 8 वायर वो प्रॉपर वर्क होना चाहिए। ये मतलब टेस्टर होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रॉपर वर्क कर रही है। और फिर आता है इसका प्रोसेस कि इसे किस पोजीशन में लगाना चाहिए। तो एप्लीकेशन के द्वारा ये इनकी जियो टीम की इंटरनल है, तो वहाँ पे वो सेट करते हैं, वो चेक करते हैं कि कहाँ पे एक परफेक्ट कनेक्टिविटी मिले, तो उस हिसाब से सेट कर देते हैं। फिर एक टेम्परेरी सेटअप बनाया जाता है पूरा, कि पूरा घर में घूमने की बजाय कि ऊपर ही सीधे इथरनेट केबल से मतलब जो करंट था वो वाया एक्सटेंडर के द्वारा वहाँ पे पहुँचा लिया था। तो उसके बाद एक टेम्परेरी सेटअप बनाया गया, वर्क ऑर्डर जो भी था, बुकिंग वुकिंग पूरा प्रोसेस उसे डन किया गया, जिससे कि वहाँ पे चेक कर लिया जाए, फिर सीधे रूम में राउटर लगा के स्टार्ट कर दिया जाए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सेटअप को इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा प्रॉपर सेटअप देखने के लिए मिलता है जियो की तरफ से। एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी दिखाई देती है प्रोडक्ट में, और शुरू में भी मैंने कहा आउटडोर यूनिट भी अच्छी खासी हैवी बनाई है, आने वाली वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पूरा सेटअप रनअप कर लिया, उसके बाद फिर आता है दूसरा कि मतलब इनके मैनेजर जो भी थे वो भी आए थे, उन्होंने भी देखा कि हाँ प्रॉपर कनेक्टिविटी है, क्योंकि फर्स्ट कनेक्शन था रामपुर में। तो यहाँ पे आपके प्रॉपर कनेक्टिविटी, इथरनेट केबल क्वालिटी सब कुछ अच्छी देखने के लिए मिलती है। फिर आता है सेटअप अप प्रोसेस। यहाँ पे रिमोट कनेक्ट करने के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्योंकि प्री कनेक्ट नहीं आता, तो आपको जैसे आप ऑन करते तो वहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है, फिर आपको कनेक्ट करना होता है। और ये जियो होम एप्लीकेशन रेजोल्यूशन आप अपने टीवी के हिसाब से सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम ही रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। और मैं डायरेक्टली वाया वाईफाई कनेक्ट करूँगा, तो ये कुछ आपको डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इन्हें फॉलो करना होता है। और पढ़ता कोई नहीं किस स्पीड से भाग रही है, आप समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही ओपन करा था वैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट आया, मतलब यह है कि पूरी एप्लीकेशन पूरा जियो एस टी वी अपडेट हुआ, जिसके बाद एक प्रॉपर यूज़ में आया। तो यहाँ पे आपको क्योंकि आने वाली वीडियोस की भी लेके आएंगे, जिसमें कि और अच्छी डिटेल हम आपको देंगे। तो सिस्टम अपडेट फिर खुद रीस्टार्ट हो जाता है बिना 3 सेकंड के अंदर, और फिर आपको कुछ जियो की जो रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलती है वो इस तरीके से देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि पूरा अपडेट होने के बाद अच्छी तरीके से वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तो ये वर्क मतलब अपडेट प्रोसेस है जियो का, जो आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ये कंप्लीट फाइनली आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। अपडेट होने के बाद ये प्रॉपर अपडेट होता है, लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। ये फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, सिग्नल इंडिकेटर दिया जाता है ऑरेंज, तो मतलब नेटवर्क बहुत ज़्यादा डाउन है, और इथरनेट कनेक्टिविटी रेड से शो करता है। ये सामने जियो टावर आपको देखने के लिए मिल जाता है, और इथरनेट केबल वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन अच्छा दिया गया है कि पानी अंदर ना जाए और प्रॉपर तरीके से डिवाइस। तो ये कुछ आपको इथरनेट केबल की कनेक्टिविटी रेड लाइट के द्वारा दिखाई दे जाती है। और बात करें राउटर की, तो क्योंकि एयरटेल सिस्टम ऑलरेडी रनिंग में है, तो उसे कटवाया नहीं है, अभी दोनों ही चल रहे हैं। तो जियो छूते छूते ज़्यादा गंदा कर दिया ना, मुझे भी लग रहा है। तो फाइनली यहाँ पे मतलब बिल्ड क्वालिटी ना रियली अमेजिंग है, कि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी का भी। तो यहाँ पे इथरनेट केबल पावर केबल एडेप्टर से ही निकलती है, जो कि पीओई स्विच है, और उसी में मेन आउटडोर यूनिट की इथरनेट केबल जुड़ती है, जिससे कि आप इस वजह से आपको ये थोड़ा हैवी दिखाई देता है, 3.5 एम्पियर 12 वोल्ट के साथ, तो अच्छा खासा पावर कंजम्पशन लेता है, जिसमें कि आपका टोटल जो राउटर की क्वालिटी हो गई या बात करी जाए तो मतलब बिल्ड क्वालिटी हो गई, वो सबको अच्छी देखने के लिए मिलती है। 42 वाट ये कंजम्पशन लेता है पावर का। तो फाइनली आपने पूरा इंस्टॉलेशन देखा, किस तरीके से कैसे कैसे जियो एयर फाइबर इंस्टॉल हुआ, और नई यूनिट मेरे घर में लगी है, अभी स्प्लिटर नहीं लगा है, जिससे कि मल्टीपल लोगों को कनेक्शन दिए जा सके। तो डायरेक्टली मतलब आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट मेन राउटर आ जाता है, मेन राउटर के बाद डायरेक्टली आप यूज़ कर पाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऊपर के साइड यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं, तो आपको वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी मिलती है। वापस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि वाईफाई 6 तभी सपोर्ट करेगा आपके मोबाइल में जब आपके मोबाइल में वो फैसिलिटी होगी। आप 4G मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं तो उम्मीद कम है कि वहाँ पे वाईफाई 6 सपोर्ट करे, लेकिन 5G मोबाइल में क्योंकि हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहिए होती है तो वहाँ पे वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिससे एटलीस्ट आप 700-800 Mbps की इंटरनली स्पीड पे भी वर्क कर पाएंगे। तो 30 Mbps का कनेक्शन लिया है तो यहाँ पे आप लाइव डेमो देखेंगे तो स्पीड में क्या, अरे मतलब दुगना पहुंच गया था तो हो गया तो यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप होते होते 19, 16 और यहाँ पे ड्रॉप हुआ है 18 Mbps की, और अपलोडिंग स्पीड भी शुरू में तो भाग गई, फिर ड्रॉप होते होते तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब अपलोडिंग स्पीड लमसम सेम है, ज़्यादा ड्रॉप नहीं रहा। और एक बार दोबारा चेक करेंगे क्योंकि 30 Mbps का कनेक्शन है तो वो 30 Mbps ही देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी तो अच्छी मिल रही है। तो यहाँ पे मैं देखूँ कि शुरुआती स्पीड जो है वो बहुत अच्छी पहुँच जाती है, लेकिन फिर 30 Mbps पे जाके स्टेबल कनेक्टिविटी ढूंढता है, इसकी वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर, हाँ मतलब ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन लमसम जो 10% बढ़ के स्पीड मिलती है वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि 30-35-40 Mbps तक जाना चाहिए थी, लेकिन नहीं वो पूरी प्रॉपर ही मिल रही है। मतलब एक कह सकते हैं कि ये पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के हिसाब से स्पीड सेट की गई है तो उस तरीके की। और एक बार और करते हैं तो मतलब शुरुआत में तो ज़्यादा, फिर आके एक लिमिट सेट होती है कि हाँ ये स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, वो पहचान लेता है फिर स्पीड ड्रॉप करता है। तो फिलहाल तो यही है, तो अभी फ़िलहाल बहुत लिमिटेड वीडियो है जिसमें कि हमने सिर्फ इंस्टॉलेशन दिखाया है, लेकिन आने वाली वीडियो रियली बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली हैं, जिसमें कि हम और ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे प्रोडक्ट को और क्या क्या एडवांटेजेस हम इसके साथ ले सकते हैं, वो सब कुछ आपके लिए आने वाली वीडियो में मिलने वाला है। बस एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।